ठंड बढ़ गया है, इस मौसम में बच्चे या बड़े दोनों का ही ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी गुड़ के गट्टे, जिसे हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि बच्चे हो या बड़े दोनों ही मांग मांग कर खाएंगे, और बहुत ही ईजी तरीके से हम बनाएंगे और आसानी से। चलिए फिर बनाते हैं गुड़ के गट्टे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले हम मूँगफली दाने को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया है गर्म होने के लिए, हमारी कढ़ाई जो है गर्म हो गई है। चलिए मूंगफली दाने को इसके अंदर डालते हैं। मूंगफली को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, बराबर चलाते हुए इसे भूनेंगे ताकि मूंगफली जो है हमारी अच्छी तरीके से भून जाए। यह देखिए हमारी मूंगफली जो है भून गई है, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ सेम कढ़ाई लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे मखाने। और इसे भी हम भून लेते हैं थोड़ा। मखाने हमारे भून गए हैं, मखाने को भी हम निकाल लेते हैं। अब हमने लिया है तिल और इसे भी हम भून लेंगे। अब हम लेंगे नारियल घिसा हुआ और इसे भी हम हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, इसे हम थोड़ा सा ही भुनेंगे। नारियल हमारा भुन गया है, नारियल को हम निकाल लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने भून लिया है। यहाँ मैंने मूंगफली के जो छिलके जो हैं मैंने निकाल दिए हैं। अब हम मूंगफली को एक जार में रखेंगे और मखाने को भी इसके अंदर डालेंगे। अब ये जो तिल है इसमें से हम 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे और इसे हम ग्राइंडर जार में पीस लेते हैं। दरदरा ही पीसेंगे, मोटा ही थोड़ा। ये देखिए दरदरा हमने पीस लिया है इसे। ये कुछ तो ऐसे ही खड़े भी हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही रखेंगे हम। चलिए इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। हमने थाली में इन सभी चीज़ों को निकाल लिया है। मैंने यहाँ लिया है गुड़, मैंने यहाँ सेम कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को हम गर्म करेंगे। चलिए इसके अंदर गुड़ को हम डाल देते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है। और इसे हम चला लेंगे। गुड़ को हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे ताकि यह पिघल जाए। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा ही इसे और थोड़ा सा हम चला लेंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल हो गया है, तैयार है। अब हम इसमें मिला देंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम मिला देंगे सभी सामान, तिल, मूंगफली, मखाना, इन सभी चीज़ों को हम, और नारियल का भूरा, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर मिला देंगे इसे अच्छे तरीके से। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके बच्चे जो है गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए अब हम इसे किसी प्लेट या थाली में निकाल लेते हैं। डोसा पैन लिया है, इसी के अंदर ही हम इसे हम निकालेंगे गुड़ को, इन सभी चीज़ों को इस तरीके से। इसमें बहुत ही जल्दी निकल जाता है, आप चाहे तो थाली में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और उसी के अंदर इसे निकाल लीजिए गुड़ को। देखिए इस तरीके से हम गुड़ को इसके अंदर पूरा निकाल लेंगे।
अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। इसे हम कट कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने किनारियों को मैंने सभी के अलग कर दिया है। चलिए एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यह देखिए यह बहुत ही इजी तरीके से इस तरीके से यह निकल आता है। चलिए हम दूसरा पीस भी इसी तरीके से निकाल कर दिखाते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा पीस भी हमारा निकल गया है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे जो है गुड़ की गट्टे को इसे मांग मांग कर जरूर खाएंगे। बच्चे या बड़े दोनों ही मांग मांग कर खाएंगे। और इसके ऊपर हम जो तिल के भुने हुए तिल होता है और जो उसके पीसे हुए होते हैं जो जो बुरादे होते हैं वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।